की पूरी फैमिली ड्रग्स लेती है। Nonsense. हमारा करण कभी ड्रग्स ले ही नहीं सकता। हे भगवान, ये फेक न्यूज है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बंद कर उसे, कोई नहीं देखेगा इस न्यूज को, और इस बकवास पे यकीन करने की जरूरत नहीं। ऋषभ लुथरा ने मीडिया पे हाथ उठाया है। ये पुलिस क्या कर रही थी, इसका जवाब चाहिए। अब तुम दोनों भाई जेल में सड़ोगे, देखता हूं कौन निकालता है यहां से तुम दोनों को। ये मीडिया सब बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिए। हम लोग ऋषभ का वेट करेंगे, उसके आने का इंतजार करेंगे, तब तक शांत रहिए आप लोग। ये ऋषभ रिपोर्टर्स के साथ लड़ क्यों रहा है? इस तरह से लड़ाई झगड़ा हमारे लूथरा खानदान को शोभा नहीं देता। अरे पुलिस है ना, मीडिया को संभाल लेगी। ये सब जब हुआ तो ऋषभ ने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एक काम करती हूँ, ऋषभ को फोन लगा के पूछती हूँ। करीना फोन काटो, मैंने कहा ना फोन काटो। वहां ऑलरेडी इतना झमेला चल रहा है और तुम लोग फोन करके बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। और आप लोग प्लीज शांत रहिए। ऋषभ है ना वहां, और उसे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? हाँ, उसके भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, उसका गुस्सा करना जायज है, लेकिन वो समझदार है, वो संभाल लेगा। हम लोग उसका इंतजार करेंगे, और प्लीज आप लोग अब शांत हो जाइए और मुझे कुछ सोचने दीजिए। और आप प्लीज रोइए मत, राखी जी, या तो आप रो लीजिए या फिर कमरे में चले जाइए। आप कर रहा हूं मैं।